हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर कुसुम कल्ला, कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन, संतोखबा दुर्लभ जी मेमोरियल हॉस्पिटल जयपुर एंड जॉइंट सेक्रेटरी एडोलेसेंट हेल्थ एकेडमी जयपुर ब्रांच। फ्रेंड्स, दिस वीक दैट इज 21st March to 27th March 2021 इज बीइंग सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल एडोलेसेंट हेल्थ वीक वर्ल्ड वाइड। एडोलेसेंस इज अ ट्रांजिशनल पीरियड बिटवीन चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड। ड्यूरिंग दिस पीरियड मैक्सिमम ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी अकर्स एंड फॉर दिस a good nutrition is a must. SDMH family is releasing this video in association with Adolescent Health Academy Jaipur branch and Indian Academy of Pediatrics Jaipur branch as a part of celebration of International Adolescent Health Week. In this video, Mrs. Surbhi Parikh, who is senior dietitian Santokhba Durlabji Memorial Hospital, is going to enlighten us on the important topic of nutrition. Healthy khana, healthy peena or healthy jeena. Over to you, Mrs. Surbhi. Good morning everyone, myself Surbhi Parikh, consultant dietitian and nutritionist. As we all know that we are celebrating International Adolescence Health Week under the umbrella of ID Rajasthan Chapter, Narayani Foundation, Netprofen and IAP. So when we talk about adolescence health, so nutrition plays a very important role. अगर हमारा जो न्यूट्रिशन है वो एडोलेसेंस एज में ठीक रहेगा तो वी कैन लीड ए हेल्दी एंड बेटर लाइफ इन अडल्टहुड। तो एडोलेसेंस बेसिकली प्रोवाइड्स अस ए विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर न्यूट्रिशन। अगर हम WHO के डेटा की बात करें तो एवरी कंट्री में अराउंड 1/5% ऑफ पॉपुलेशन एडोलेसेंट कवर कर रहे हैं। और ये जो एडोलेसेंस वाला एज है ये बेसिकली ट्रांजिशनल फेज होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का फ्रॉम चाइल्डहुड टू अडल्टहुड। तो इस फेज में आपका जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो बहुत ही पीक पर होता है। सो वी आर जो हमारी जो रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिशन की दे आर ऑन द हायर साइड। और प्रॉपर न्यूट्रिशन अगर हम इस एडोलेसेंस वाला एज में अगर बच्चे को देंगे तो दे कैन लीड ए हेल्दी लाइफ एंड फ्री फ्रॉम लाइफस्टाइल डिजीजेस। अगर हमारा डाइट एंड पैटर्न किसी भी एज ग्रुप में या बेसिकली एडोलेसेंस एज ग्रुप में अच्छा है तो नो मैटर व्हाट स्टेज ऑफ लाइफ इन वी आर वी कैन मैनेज ए हेल्दी लाइफ। हमारी बॉडी में प्रॉपर काम करने के लिए हमें हर टाइम एनर्जी लेवल्स अच्छे रहेंगे एंड वी कैन बी हेल्दी एंड वी कैन बी मोर गुड फॉर एनी स्पोर्ट्स। वी कैन गेट वाइटमिन एंड मिनरल्स अकॉर्डिंग टू द बॉडी रिक्वायरमेंट एंड वी कैन बी मोर हेल्दी फॉर एनी स्पोर्ट्स या एनी फिजिकल एक्टिविटी। वी कैन मेंटेन ए हेल्दी बॉडी वेट और वी कैन रीच अप टू ए मैक्सिमम हाइट। अगर आप अभी भी हाइट गेन करने की एज में चल रहे हैं एंड वी कैन प्रिवेंट अनहेल्दी ईटिंग फ्रॉम दिस। When we talk about healthy nutrition, तो your body needs to stay healthy and the key thing for health is nutrition. जब हम हेल्थ न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ न्यूट्रिशन। बेसिकली हमारी बॉडी को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी हमें फूड से मिलती है। फूड बेसिकली हमें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है और न्यूट्रिएंट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं या ऐसा डाइट में ऐसा हमें मटीरियल प्रोवाइड करते हैं जो हमारी बॉडी की प्रॉपर बिल्डिंग में या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है। Now we'll divide nutrients in two parts. One is macronutrients and second one is micronutrients. Macronutrients वो हैं जो हमें हमारे डाइट में एक लार्ज अमाउंट में जिनकी हमें ज़रूरत होती है उसमें हम इंक्लूड करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट। एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में वो न्यूट्रिएंट्स आते हैं जो हमें बहुत ही कम मात्रा में डाइट में ज़रूरी होते हैं लेकिन उनकी प्रेजेंस इज़ वेरी मच नेसेसरी टू लीड ए हेल्दी लाइफ। जब हम कंपोनेंट्स ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो देयर आर 5-6 कंपोनेंट्स जैसे कि कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिंस, मिनरल्स एंड वाटर। सबसे पहले हम बात करते हैं बैलेंस डाइट के लिए कार्बोहाइड्रेट की। ये हमारी डाइट का एक बेसिक सोर्स होता है, बेस जो हमारी डाइट का है। एंड कार्बोहाइड्रेट का जो मेन फंक्शन होता है हमारी बॉडी में वो होता है एनर्जी प्रोवाइड करने का। तो इट इज़ ए बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आवर बॉडी, फॉर ब्रेन, फॉर मसल्स। और दूसरी चीज़ ये हमारी डाइट में हमें बल्क प्रोवाइड करता है तो वील फील फुल। और डाइट में डाइट्री फाइबर अच्छे से प्रोवाइड करेगा तो वील नॉट फील कॉन्स्टिपेटेड। सो बेसिकली डाइट्री बल्क को इंक्रीज करने का काम करता है। बट अगेन कार्ब्स दो पोर्शन में डिवाइड होता है, वन इज़ गुड कार्ब्स एंड सेकेंड वन इज़ बैड कार्ब्स। बट अनफॉर्चुनेटली बैड कार्ब्स ज़्यादा अट्रैक्टिव और फैसिनेटिंग होता है। तो हमें हमेशा वी हैव टू सी द डिफरेंस कि वॉट इज़ गुड एंड वॉट इज़ बैड फॉर अस। गुड कार्ब्स में आपका आता है होल ग्रेन्स या फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सैलड्स। एंड बैड कार्ब्स कंटेंस आपका जितना भी फास्ट फूड है, चीज़ है, सॉरी केक्स हैं, पेस्ट्रीज हैं,
हैं और जितना भी हमारा शुगरी आइटम्स हैं, पैक्ड और प्रोसेस्ड और केन्ड फूड आइटम्स हैं, दे कम्स इन बैड कार्ब्स. बट एडोलेसेंस की लाइफ में वो बाहर बहुत ज़्यादा खाने लग जाते हैं, या पीयर प्रेशर होता है, या फ्रेंड्स का सर्किल होता है, उसकी वजह से पार्टीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, तो हमारे डाइट में जो बैड कार्ब है उसका इनटेक इंक्रीज़ हो जाता है समहाउ. बट हमें वी हैव टू चूज़ आवर ऑप्शंस वाइसली. वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट कि हमें बैड ऑप्शंस को चूज़ नहीं करना है हमारे लिए. वी हैव टू चूज़ हेल्दियर ऑप्शंस एंड बैड ऑप्शंस को वी हैव टू अवॉइड. फिर हम बात करते हैं प्रोटीन की. प्रोटीन बेसिकली हमारी बॉडी बिल्डिंग या टिश्यू बिल्डिंग और मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी होता है. ये प्रोटीन का एक बेसिक फंक्शन होता है हमारी डाइट में और रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है. बहुत सारे हार्मोन्स में के मेटाबॉलिज्म में या उनके बनने में प्रोटीन की ज़रूरत होती है. तीसरा जो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन प्रोटीन का है, दैट इज़ एनर्जी गिविंग. कि अगर हमारे डाइट में कार्ब्स कम है तो उस सिचुएशन में वो हमें एनर्जी देने का काम करता है. बट प्रॉब्लम ये आती है कि इंडियंस में ऑलमोस्ट मतलब हायर जो नंबर अगर हम देखें तो वो वेजिटेरियन लोगों का होता है. हमारी डाइट वेजिटेरियन है और उस वेजिटेरियन डाइट में हम प्रॉपर जितना हमारी डाइट में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है उसको कवर नहीं कर पाते हैं. तो जस्ट टेक केयर ऑफ दैट थिंग कि आप अपनी डाइट में प्रॉपर अमाउंट में दालें हैं, दूध है, दही है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, या कोई जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो हेल्दियर ऑप्शंस ऑफ नॉनवेज वी हैव टू ऐड इन ईच डे ऑफ डाइट, ताकि हमारी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स को हम फुलफिल कर पाएँ और हमारी बॉडी को हम एक प्रॉपर सपोर्ट दे पाएँ हेल्दी लाइफ को जीने के लिए. थर्ड जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आता है दैट इज़ फैट. फैट बेसिकली एक कॉन्सेंट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी होता है. ये हमारे फूड को पैलेटेबल बनाता है. बहुत सारे एसेंशियल फैटी एसिड्स का एक बेसिक सोर्स है, या फैट सॉल्युबल विटामिंस के एब्जॉर्प्शन में बॉडी में हेल्प करता है. हमारे ऑर्गन्स को इंसुलेशन और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और बॉडी के प्रॉपर टेम्परेचर को मेनटेन करने में हेल्प करता है. तो फैट का बहुत बड़ा रोल है हमारे डाइट में. बट अगेन फैट को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. ये सबका एक मेन क्वेश्चन होता है कि आर ऑल फैट्स बैड. तो द आंसर इज़ नो. देर आर टू टाइप्स ऑफ फैट, वन इज़ गुड एंड वन इज़ बैड. बेसिकली दो तरीके का फैट होता है, एक सैचुरेटेड फैट और एक अनसैचुरेटेड फैट. वी नीड बोथ इन ए लिमिटेड अमाउंट इन आवर डाइट. एक मात्रा का सैचुरेटेड फैट भी ज़रूरी है, उसमें हम घी को या फिर बटर को या कोकोनट ऑयल को लेते हैं. और दूसरी जो पार्ट है वो अनसैचुरेटेड फैट है, उसमें आपके नट्स हैं, सीड्स हैं, या जितना भी वेजिटेबल ऑयल्स हैं वो सारे आते हैं. तो दोनों तरीके के फैट हमारी डाइट में ज़रूरी हैं. बट बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड फैट का कंजप्शन हमारी डाइट में नहीं होना चाहिए. वी हैव टू लिमिट द कंजप्शन ऑफ सैचुरेटेड फैट, और उसके साथ साथ अनसैचुरेटेड फैट को भी हमें डाइट में ऐड करना है. तो जो हेल्दी फैट के ऑप्शंस हैं उसमें आपके सीड्स आ गए, नट्स हैं, या फिर वेजिटेबल ऑयल्स हैं, एवोकाडो है. दीज थिंग्स ऑल्सो वी हैव टू ऐड इन आवर डाइट. तो वी हैव टू चूज़ आवर ऑप्शंस वाइसली एंड वी हैव टू फिगर आउट द कैलोरीज दैट वॉट इज़ गुड फॉर अस एंड वॉट इज़ बैड फॉर अस. आप कभी भी बाहर पार्टीज़ के लिए जा रहे हैं या फ्रेंड सर्कल में जा रहे हैं या कहीं भी हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे फूड से रिलेटेड. बट यू हैव टू थिंक फ्रॉम माइंड एंड यू हैव टू चूज़ आवर ऑप्शंस वाइसली कि वॉट इज़ गुड फॉर यू एंड वॉट इज़ बैड फॉर यू. फिर हम आते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पे. उसमें हमारे विटामिंस एंड मिनरल्स आते हैं जो कि बहुत सारी बॉडी की फंक्शंस के लिए ज़रूरी होते हैं. अगर विटामिंस की बात करते हैं तो जैसे विटामिन ए है वो प्रॉपर विजन और आईसाइट के लिए ज़रूरी है. विटामिन सी और ई एज एन एंटीऑक्सीडेंट हमारे डाइट में वर्क करता है. हमारी बोन हेल्थ के लिए वी नीड गुड अमाउंट ऑफ विटामिन डी एंड प्रॉपर मेटाबॉलिज्म के लिए वी नीड विटामिन ई एंड वील गेट ऑल दीज विटामिंस फ्रॉम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. तो वी हैव टू ऐड दीज थिंग्स इन आवर डाइट. मिनरल्स की जब हम बात करते हैं तो प्रॉपर बोन एंड टीथ हेल्थ के लिए वी नीड कैल्शियम एंड फॉस्फोरस. बॉडी फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करने के लिए वी नीड गुड अमाउंट ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम. एंड जो मिनरल्स होते हैं वो कॉम्पोनेंट्स होते हैं बहुत सारे एंजाइम्स के. तो बेसिकली हमें डाइट में हर चीज़ को, जितने भी हमारे फूड ग्रुप्स हैं, कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स, तो ये हमें बेसिकली फूड ग्रुप्स में मिलते हैं. तो वी हैव टू ऐड ऑल द फूड ग्रुप्स इन आवर प्लेट, ताकि हमें सारे कॉम्पोनेंट्स को हम एक प्रॉपर हेल्दी मात्रा में हमारी डाइट में इनकॉर्पोरेट कर सकें और हमारी बॉडी प्रॉपरली फंक्शन कर सके. लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो हमारा न्यूट्रिएंट है दैट इज़ वाटर. इट गिव्स अस जीरो कैलोरीज
एंड इट इज़ द मोस्ट असेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ. बेसिकली आपने जितना भी खाना खाया है और उससे जितना भी न्यूट्रिशन हमें मिला है हमारी बॉडी के एक एक सेल तक पहुँचाने के लिए वी नीड वाटर. वाटर उन सारे न्यूट्रिएंट्स को अपने में डिसॉल्व करके हमारी बॉडी में सर्कुलेट करता है, तो और बॉडी से जितने भी टॉक्सिन्स हैं उसको बाहर निकालने में हेल्प करता है. तो इट इज़ अ वाइटल कॉम्पोनेंट ऑफ आवर डाइट. अगर हम एक बात करें तो अराउंड 35 ml पर kg बॉडी वेट वाटर है वो हमें वी कैन कैलकुलेट अवर वाटर विद दिस. तो करीब 2 to 3 liters ऑफ वाटर इज़ ए मस्ट थिंग फॉर अस, ताकि हम अपने जितना भी हमने न्यूट्रिएंट को खाया है उसको हम प्रॉपर बॉडी में एब्जॉर्ब करने में हेल्प करा पाएँ और हमारे बॉडीली फंक्शंस को प्रॉपरली मेंटेन कर पाएँ. उसके बाद हम बात करते हैं एक हेल्दी प्लेट की. तो जब हम हेल्दी प्लेट की बात करते हैं तो आपका जो प्लेट है वो रेनबो की तरह कलरफुल होना चाहिए. उसमें एक आपका प्लेट का 50% कम्स फ्रॉम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. वो आपको सारे विटामिन्स एंड मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट देने में हेल्प करेगा और उसमें से बचे हुए में से कुछ पार्ट आपका सीरियल से आना चाहिए. वो आपके स्टमक को फुल करने में हेल्प करेगा एंड इट विल गिव्स यू एनर्जी. कुछ पार्ट है वो प्रोटीन रिलेटेड फूड आइटम्स का आना चाहिए जो कि आपकी बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करेगा और कुछ पार्ट मिल्क एंड प्रोडक्ट्स का आना चाहिए विच विल मेक्स यू योर बोन स्ट्रॉन्गर एंड आप अच्छे से बोन्स एंड टीथ को स्ट्रॉन्ग करके यू कैन मेंटेन अ हेल्दी लाइफ. नाउ वील टॉक अबाउट न्यूट्रिशन टिप्स फॉर एडोलेसेंट्स. तो टिप्स में सबसे पहले आई विल से कि यू जस्ट ईट ए वेल एंड बैलेंस्ड डाइट, टेक स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स, चूज द राइट फूड. ऑप्शंस बहुत सारे मिलेंगे हमेशा बट वी हैव टू चूज द राइट फूड. ईट ए न्यूट्रिएंट पैक्ड एंड हाई फाइबर फूड. सो बेसिकली वी हैव टू अवॉइड रिफाइंड एंड पैक्ड एंड केन फूड आइटम्स. Try to eat regularly, don't skip your meals. Especially adolescents में जो females होती हैं they are very much conscious about their figure और उसको maintain करने के लिए वो अपने meals को skip करना चालू कर देती हैं which is a very bad thing. उससे आपकी body में बहुत सारे body पर negative impacts पड़ेंगे और हमारी body में nutrition की deficiency हो जाएगी. तो don't skip your meals and breakfast is an important meal to start your day. तो have your breakfast on the regular basis. पैक फूड आइटम्स के इंटेक को हम कम करेंगे एंड वी हैव टू ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर. आपका प्लेट को आप कलरफुल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से फिल करें एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग डोंट ईट वाइल वॉचिंग टीवी एंड कंप्यूटर बिकॉज उस समय पे हमारी जो मंचिंग होती है वो माइंडलेस हो जाती है. हमें पता ही नहीं चलता कि हम कितना खा रहे हैं एंड दैट इज़ द मेन कॉज ऑफ ओबेसिटी. और अगर ओबेसिटी इस टाइम में आपको आ रही है तो यू आर वेरी मच प्रोन टू अदर क्रोनिक डिजीजेज इन अडल्टहुड लाइक डायबिटीज़ या हार्ट डिजीजेज या अदर टाइप ऑफ कैंसर्स. तो बेसिकली वी हैव टू प्रोटेक्ट अवर सेल्फ फ्रॉम डिजीजेज. तो हमें टीवी के साथ खाना नहीं खाना है. आप हम अपने मील टाइम को हमेशा स्लो डाउन रखने का और रिलैक्स करने का टाइम रखिए. क्रैश डाइट्स एंड फास्ट फूड्स को वी हैव टू अवॉइड एंड वी ऑल नो दैट कंजप्शन ऑफ एल्कोहल एंड टबैको इज इंक्रीजिंग डे बाय डे इन यंगस्टर्स विच इज़ अ वेरी बैड थिंग एंड विच कैन लीड टू ए बैड लाइफ. सो देयर इज वी हैव टू से स्ट्रिक्ट नो फॉर दीज थिंग्स टू लीड ए हेल्दी लाइफ. फिर कुछ चीज़ें हैं हमारी डाइट में जो हमें ऐड करनी चाहिए. जैसे कि अगर हम फीमेल्स की बात करते हैं तो फीमेल्स आर वेरी मच प्रोन फॉर ऑस्टियोपोरोसिस या बोन डिजीजेज एज़ कम्पेयर टू मेल्स इन लेटर ईयर्स ऑफ लाइफ. तो हमें अपनी डाइट में अच्छे अमाउंट में कैल्शियम को ऐड करके चलना है ताकि हम अपने कैल्शियम के स्टोर्स को अच्छा रख पाएँ और हम इन बीमारियों से बच पाएँ. तो जस्ट टेक मिनिमम 2 to 3 सर्विंग्स ऑफ मिल्क एंड प्रोडक्ट्स इन डेली रूटीन. शुगर जो है वो हमारे डाइट में ज़ीरो न्यूट्रिएंट्स देता है बट इट गिव्स यू गुड अमाउंट ऑफ कैलोरीज. सो ट्राई टू कट डाउन ऑन शुगर वाला पार्ट अदरवाइज इट विल मे इंक्रीज योर अननेसेसरी फैट एंड अवॉइड यूजिंग आर्टिफिशियल स्वीटनर्स. नाउ वील टॉक अबाउट सम गाइडलाइंस रिगार्डिंग टू जंक फूड्स. तो जब हम जंक फूड्स की बात करते हैं तो वी हैव टू टोटली अवॉइड जंक्स इन आर डेली रूटीन. और अगर आप डाइट में ले भी रहे हैं तो जंक फूड का मैक्सिमम जो इंटेक है वो वंस इन अ वीक होना चाहिए एंड वी हैव टू कीप इन माइंड दैट लेस देन 50% ऑफ टोटल डेज कैलोरीज शुड बी कम फ्रॉम जंक फूड. ट्रांस फैट एंड फ्री शुगर्स या रॉ शुगर्स को का जो इंटेक है वो लेस देन 5% ऑफ टोटल डेज एनर्जी होना चाहिए आपकी डाइट में.
हमें हमारे ट्रेडिशनल फूड को और जो भी इजी टू होममेड स्नैक्स हैं उनको प्रमोट करना चाहिए एज़ कम्पेयर टू जंक फूड्स। लंच बॉक्स में अगर आपके बच्चे को हेल्दी ऑप्शन नहीं मिल रहा है स्कूल में या कॉलेजेस में जाके, तो आप लंच बॉक्स में प्रॉपर अट्रैक्टिव स्नैक्स या होममेड स्नैक्स बना के दीजिए, ताकि बच्चा वहाँ कॉलेज में जाके उस चीज़ को अवॉइड कर पाए और घर का बना खाना खा पाए। सेकेंड चीज़, कभी भी जंक फूड को एडोलेसेंट या चिल्ड्रन या एडल्ट्स में किसी भी एज में जाके आपको एज अ रिवॉर्ड नहीं देना चाहिए। तो कभी भी आप बच्चे को रिवॉर्ड की तरह जंक फूड को नहीं दें, उसकी जगह आप होममेड हेल्दी फूड ऑप्शंस को रिप्लेस। व्हेन वी टॉक अबाउट फ्रूट जूसेस, तो वी हैव टू स्ट्रिक्टली से नो टू पैक्ड फ्रूट जूसेस एंड या कैंड आपका फ्रूट जूसेस। लेस देन टू ईयर्स का जो बच्चा है उसकी डाइट में तो हमें बिल्कुल भी इंट्रोड्यूस नहीं करना है, और अगर आप 2 to 5 years के बच्चे की डाइट में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो जस्ट फोकस ऑन फ्रेश फ्रूट जूसेस एंड दैट ऑल्सो नॉट मोर देन 125 ml ऑफ पर डे। और उसमें भी या तो आप वाटर के इनटेक को एनकरेज करिए या फ्रेश फ्रूट जूसेस या छाछ है, नींबू पानी है, नारियल पानी है, और मोर देन फाइव ईयर्स ऑफ एज वाले बच्चे की डाइट में मैक्सिमम 200-250 ml से ज़्यादा जूसेस का इंटेक नहीं होना चाहिए एंड दैट शुड बी फ्रेश फ्रूट जूस। हमें कैंड या पैक्ड फ्रूट जूसेस को या आर्टिफिशियल स्वीटनर्स वाले जूसेस को अवॉइड करना है। उसके बाद हम आते हैं कैफीन की बात पे। कैफीन एक लिमिटेड अमाउंट में लाइफ डाइट में आपके लिए हेल्दी रहता है, बट दैट इज़ नॉट मेंट फॉर चिल्ड्रन। तो लेस देन 5 years ऑफ एज वाले चिल्ड्रन की डाइट में से हमें कैफीन को टोटली एलिमिनेट करना है। 5 to 9 years या 10 years की एज में मैक्सिमम 100 ml ऑफ टी वी कैन इंक्लूड इन आर डाइट, अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहा है तो। एंड मोर देन 10 years की एज के बाद मैक्सिमम 200 ml, इससे ज़्यादा कैफिनेटेड ड्रिंक्स को हमें बच्चे की डाइट में इनकॉर्पोरेट नहीं करना है। और अदर जो भी कैफिनेटेड ड्रिंक्स हैं जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स हैं या टीज हैं, कॉफ़ीज़ हैं, उन्हें डाइट से अवॉइड करना है। अब डाइट का बात हमने पूरा किया, बट केवल डाइट विल नॉट मेक्स यू हेल्थी। डाइट के साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी इज़ ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर आप फिजिकली एक्टिव हैं और आप दिन में 24 hours में से अगर 40 minutes, 50 minutes अपने लिए निकाल रहे हैं, तो यू कैन सेव योरसेल्फ फ्रॉम मेनी अ डिजीजेज लाइक डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कैंसर्स, ओबेसिटी और मे बी हार्ट डिजीजेज इन लेटर ईयर्स ऑफ द लाइफ। अगर आप एक्टिविटी अच्छे अमाउंट में रोज कर रहे हैं तो ये आपको साइकोलॉजिकली भी और मेंटली एक्टिव रखेगा और आपकी बोन्स को या मसल्स को हेल्दी रखने में हेल्प करेगा। बेसिकली आपके डेली रूटीन में जो भी स्ट्रेस है या डिप्रेशन अगर किसी की लाइफ में है उसको कंट्रोल करने में हेल्प करेगा, आपकी बॉडी में एक फ्लैक्सिबिलिटी और बैलेंस को बनाने में हेल्प करेगा। Now, second question, that how much and what kind of physical activity is good for us? Any kind of outdoor game is good for us. आप football खेल रहे हैं, cricket खेल रहे हैं, basketball खेल रहे हैं, या girls हैं जैसे dance कर रही हैं, zumba है, yoga है, cycling है, swimming है, jogging है, तो इसमें से कोई सी भी activity minimum 40 minutes या 30 minutes daily basis पे and maximum days of week means around 30 to 40 minutes of physical activity minimum 6 days per week हमें अपनी daily routine में incorporate करना चाहिए ताकि हम एक healthy life को lead कर सकें। and everyday activities में हम छोटे छोटे changes करके उन्हें हम healthy options में change कर सकते हैं, जैसे कि do not use lift, just take stairs कहीं भी आपको मूव करना है तो। डू वॉक एंड टॉक, कभी भी आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो डोंट सिट ऑन ए चेयर एंड डोंट लाई डाउन ऑन बेड, जस्ट वॉक एंड टॉक एंड सिट लेस मूव मोर। कभी भी आप अगर आप अपनी स्टडीज़ भी कर रहे हैं तो ट्राई टू वॉक एंड डू योर स्टडीज़ इंस्टेड ऑफ सिटिंग फॉर अ लॉन्ग आवर्स। तो ये सारे फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं जो हम अपने बच्चे की या आपकी लाइफ में ऐड कर सकते हैं डेली रूटीन में। अगर हम इन्हें ऐड करते हैं तो डाइट के साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी को ऐड करने से वी कैन लीड ए हेल्दी लाइफ विच इज़ ए डिमांड ऑफ दिस टाइम। हेल्दी रहना इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम हेल्दी रहेंगे तो हम ये जो अभी पैंडेमिक चल रहा है कोविड, इससे भी अपने आप को बचा पाएंगे एंड वी कैन लीड ए हेल्दी एंड सक्सेसफुल लाइफ ड्यूरिंग लेटर ईयर्स ऑफ आवर लाइफ। थैंक यू।